2024 के चुनाव के लिए तैयार हो गई है। वैसे प्रतिपल भारतीय जनता पार्टी तैयार रहती है लोकतंत्र में चुनाव लड़ने के लिए। कहाँ अन्याय हो रहा है कि न्याय यात्रा, तो न्याय यात्रा में आ रहे हैं तो बिहार में तो न्याय यात्रा, तो न्याय तो उन्हीं का ना सरकार है, उनका मिनिस्टर है ना। तो मतलब क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी जी कि नीतीश कुमार अन्यायी है? मरल घोड़ा घास खा है। अब नीतीश कुमार के बेचारे के तबीयत खराब है तब उसमें संयोजक बना के क्या कीजिएगा? ये सब कुछ नहीं बनाएगा, संयोजक संयोजक कुछ नहीं बनाएगा। बिलाई दूध है पीता है मगर गाय भैंस नहीं पाता, कभी ओकर किचन में ढुक गया कभी ओकर किचन में ढुक गया। नीतीश कुमार टाइगर नहीं हो सकते हैं, नीतीश कुमार तो घरे घरे घूमने वाले हैं, बिलाई हो सकते। नमस्कार, मेरा नाम सदन जी, आप देख रहे हैं न्यूज़24। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के MLC और कद्दावर नेता नवल किशोर यादव हैं। 13 तारीख को संसदीय बेतिया के संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी रैली है और अगले ही दिन 14 तारीख को भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में बेतिया में सीमांचल के रास्ते बिहार में प्रवेश करेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी का। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, प्रधानमंत्री जी का बेतिया में कार्यक्रम है और कार्यक्रम का 13 तारीख से शुरुआत है। ये लगभग 10 से 15 बैठकें होनी हैं पूरे बिहार में, उसका एक वानगी है बेतिया से। और हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव के लिए तैयार हो गई है। वैसे प्रतिपल भारतीय जनता पार्टी तैयार रहती है लोकतंत्र में चुनाव लड़ने के लिए और देश को बेहतर बनाने के लिए। अब न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा, ये कौन कर रहे हैं? राहुल गांधी जे न पूछे से खेसारी के दाल, के पूछ रहा है? कहाँ अन्याय हो रहा है कि न्याय यात्रा, तो न्याय यात्रा में आ रहे हैं तो बिहार में तो न्याय यात्रा, तो न्याय तो उन्हीं का ना सरकार है, उनका मिनिस्टर है ना। तो मतलब क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी जी कि नीतीश कुमार अन्यायी हैं, अनर्थ करते हैं नीतीश कुमार? इसका तो मतलब यही हुआ कि न्याय के लिए आ रहे हैं तो यहाँ अन्याय हो रहा है। तो शिक्षकों का जो मामला है जो रोज प्रताड़ित कर रहे हैं तो राहुल गांधी जी न्याय दिलवा दें, यही ना अपेक्षा करेगा बिहार के लोग, बिहार के नौजवान, और दूसरा तो कोई बात है नहीं जी। आपने अभी KK पाठक का नाम लिया, कांग्रेस के ही विधायक हैं प्रतिमा कुमारी दास, उनके ऊपर FIR किया गया है ऐसा KK पाठक के द्वारा, जब वो शिक्षक को लेकर सवाल किए थे। उनको प्रिविलेज में जाना चाहिए? विधायकों का सबसे बड़ी कमेटी प्रिविलेज कमेटी है और प्रिविलेज कमेटी में जानी चाहिए इनको, ढोल के तरह बजा दे बोला के, बस काम मामला फिट हो जाएगा। संयोजक की बात करते हैं कि 4th बैठक हुई लेकिन संयोजक अभी तय नहीं हो चुका है, अब लोकसभा चुनाव पास है, कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा। अब मरल घोड़ा घास खा है। अब नीतीश कुमार के बेचारे के तबीयत खराब है तब उसमें संयोजक बना के क्या कीजिएगा? ये सब कुछ नहीं बनाएगा, संयोजक संयोजक कुछ नहीं बनाएगा। नीतीश कुमार के वजन को कांग्रेस भी समझती है और ये एक तमस्वीन जैसे 5-10 चीज का कलेक्शन करके तमाशा दिखाता है, जादू दिखाता है गांव में, उसी तरह ये तमस्वीनों का एक जमात है, इसलिए इसमें बहुत तूल देने की ज़रूरत नहीं है। नीतीश कुमार के करीबी मंत्री भवन निर्माण मंत्री हैं अशोक चौधरी ने कहा कि उनकी सक्रियता को देखते हुए राजनीति में टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर घरे घरे घूमा है, कभी खेमा कभी वो खेमा। टाइगर के देखें कि केकरो घरे जाते, केकरो से मेल मिलाप करते, टाइगर तो चला तो रास्ता बन गया। बिलाई हो सकते हैं, बिलाई दूध है पीता है मगर गाय भैंस नहीं पाता, कभी ओकर किचन में ढुक गया कभी ओकर किचन में ढुक गया। नीतीश कुमार टाइगर नहीं हो सकते हैं, नीतीश कुमार तो घरे घरे घूमने वाले हैं, बिलाई हो सकते हैं। आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के MLC नवल किशोर यादव को। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार में जो न्याय यात्रा होनी है, क्या बिहार में अन्याय हो रहा है?
उनके तो मंत्री हैं बिहार में, तो पूछे नीतीश कुमार से कि बिहार में अन्याय हो रहा है, जो न्याय यात्रा बिहार में वो न्याय यात्रा के द्वारा प्रवेश कर रहे हैं। मैं नीतीश कुमार को संयोजक को लेकर कहा कि नीतीश कुमार का क्या वजन है, कांग्रेस भी जो भी अन्य पार्टी है विपक्ष में वो समझते हैं, इसलिए उनको कुछ नहीं बनाने वाला है। इसी तरह के तमाम अपडेट के लिए बने रहिए अग्नि 24 पर। मेरे सहयोगी अस्तो सिंह के साथ मैं सदन जी पटना।